अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिति नागपुर की ओर से भव्य राज्यव्यापी धरना आंदोलन यशवंत स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मातंग समाज के लोग मौजूद थे। आइए डालते एक नजर। महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये तमाम समाज के लोग आज यहाँ पे मौजूद है अपनी मांगों को लेकर। जी हाँ, राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों से इनके मांगों को दरकिनार किया, पूरा नहीं किया, जिसके चलते ये लोग अभी शीतकालीन जो सत्र जो शुरू अधिवेशन यहाँ पे विधान भवन पे आए हुए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी मांगे जो है उसको मनवाने के लिए ये लोग आए हुए हैं। आइए हम सीधा रुख करेंगे इन समिति के ये पदाधिकारी हमारे साथ में महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिति के, उनसे जाना चाहेंगे। सर ये बताइए कि सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? सरकार से हम कई वर्षों से हमारी मांग है कि हमारा जो मातंग समाज है इसको अवकड़ वर्गीकरण करके उस मातंग समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है, जिसको लेके हमने केंद्र सरकार से भी ये मांग की है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र शासन को मांगा है कि भाई आप क्या इनके बारे में कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र शासन ने 2014 से केंद्र सरकार ने मांगा है, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने सिफारिश पत्र अभी तक केंद्र सरकार को दिया नहीं अवकड़ वर्गीकरण के लिए। तो हमारी सरकार से ये मांग है राज्य शासन से कि आप केंद्र सरकार को सिफारिश पत्र दीजिए जिससे हमको अवकड़ का आरक्षण मिल जाएगा। दूसरी हमारी मांग है कि साहित्य रत्न अन्नम साठे महामंडल जो है, जो किसी कारणवश आज बंद पड़ा है, वहां पे जो निधि देना चाहिए वो निधि उसको नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मातंग समाज का आज बेरोजगार जो व्यवसाय कुछ करना चाहता है उसको व्यवसाय करने के लिए आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है वहां से। तो उस अन्नमो साठे महामंडल को 1,000 करोड़ अनुदान सरकार ने देना चाहिए और मातंग समाज के जो बेरोजगार है, जो युवक है, उन तरुणों को, युवकों को रोजगार देने के लिए आर्थिक न्याय मिलेगा, ऐसी मिलना चाहिए, एआईसीएमसी सरकार से मांग है। अगर ये सरकार ने हमारी अभी तक तो दुर्लक्ष करते रहे, नजरअंदाज किए हमारे मांगों के तरफ, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये भी सरकार ने अगर हमसे ऐसा ही सुलूक किया तो हमको आने वाले दिनों में रास्ते पे जरूर आना पड़ेगा। और जब हम रास्ते पे आएंगे और जो भी उस वक्त क्या होगा उसकी पूरी जवाबदार ये महाराष्ट्र सरकार और ये केंद्र सरकार रहेंगी, और हम तो आने वाले दिनों में हमारे मांगों के लिए खून भी देंगे और जान भी देंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। मराठी में बोल रहा हूँ, आम्ही 25 ते 30 वर्षापासून स्वतंत्र आरक्षणासाठी अबकड या स्वतंत्र आरक्षणाचं वेगळं आंदोलन करून राहिलो, पण आतापर्यंत आम्हाला या स्वतंत्र आरक्षण मिळणं अबकड ही पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये चळवळ सुरू आहे, परंतु या शासनाने आम्हाला फक्त आश्वासन दिलं काही दिलेलं नाही, त्यांच्या विरोधात पुरा महाराष्ट्रभर हे आंदोलन सुरू आहे की अबकड हे मातंग समाजाला मिळालंच पाहिजे, की आरक्षण मग कोणासाठी आहे? जी पीडित आहे, शोषित आहे, वंचित आहे, त्या लोकांना खरोखर आरक्षण मिळालं पाहिजे। त्या आंदोलन यासाठी आंदोलन आम्ही करतो आहोत आणि येणाऱ्या कदाचित या लोकांनी सोडलं नाही आणि या देशामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये उग्र आणि तीव्र आंदोलन आम्ही छेडणार आहोत, यांनी आमच्या या महाराष्ट्राला इशारा आहे। धन्यवाद। साहित्य रत्न लोकशाही अन्नभाव साठे आर्थिक विकास महामंडल का कामकाज पूर्ववत होने के लिए और इन महामंडलों को यानी मातंग समाज के विकास के लिए 1,000 करोड़ का नीति तत्काल उपलब्ध कराए, ऐसी मांग करते हुए आज यहाँ पे जो महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिति के लोग हैं इन्होंने ये सरकार को चेतावनी दी है। साथ में यही कहा है कि इससे पहले जो सरकारें आई हुई है उन्होंने भी इनके बातों को तवज्जो नहीं दिया है, महत्व नहीं दिया है। लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ ये भद्दा मजाक है। हर समाज, हर जाति, हर पंथ, हर धर्म अपने आप में एक है और भारत देश इसीलिए महान है क्योंकि सभी जाति धर्म पंथों का वो एक माला में पीड़ों के रखती है, सबका विचार करती है। इसके चलते इसी श्रृंखला में इन लोगों को भी, इन मातंग समाज के लोगों के साथ भी जो अन्य अत्याचार पिछले कई वर्षों से हो रहा है, इनके यहाँ पे कैटेगरी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इनको शिक्षा का जो निधि नहीं मिल रहा है, इनको सहूलियत नहीं मिल रही है, मूलभूत अधिकारों से
बाद भी कई मातंग समाज के लोग वंचित पड़े हुए हैं। इस बार इन्होंने सरकार, इससे पहले भी सरकार को इस बात से कई बार इन्होंने बताने की कोशिश की, मगर सरकार के जो उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है, उन्होंने इनके और पूरी तरह से इनके बातों को दरकिनार किया है। अब की बार सरकार जो नई आई हुई है उन्होंने ध्यान दे और इन मातंग समाज के लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो तात्काल छुड़ाए, तब कहीं ये लोग लोकतंत्र में जी रहे ऐसा इनको लगेगा। अगर इनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में ये तमाम लोग, कई और इनसे भी कई ज्यादा संख्या में मातंग समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे, तीव्र आंदोलन करेंगे और उस समय में जो भी परिस्थिति बनेगी उसके लिए पूरी तरह से सरकार और सरकार जिम्मेदार होंगी। ऐसा इन लोगों ने आज के बातों से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अब देखना यह होगा क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करता है या फिर ये मातंग समाज के लोग सड़क पे उतर के अपना हथियार, जिसको आंदोलन कहते हैं, फिर से एक बार नागपुर शहर के सड़क पे दिखाई देगा, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम शहर की और देश की जनता यही चाहती है कि मातंग समाज के साथ न्याय हो, क्योंकि लोकशाही अन्नाभाऊ साठे जो है ये विश्व रत्न थे। उनके कामकाज, उन्होंने समाज के प्रति जिस सबको लेके चले, सबको उन्होंने शिक्षा दी है, सबके ऊपर में उन्होंने भरोसा किया है, कई कादंबरी से लेकर कई कामकाज उन्होंने किया है। आज अन्नाभाऊ साठे और इनके तमाम लोग जो मातंग समाज से जो जुड़े हुए हैं, बस इनको न्याय मिले, यही समय की मांग है। नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन से और यशवंत स्टेडियम से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मेरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।